आइए और जानकारी करते हैं। सर आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के मौके पर आप लोग यहाँ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको तो कॉलेजों के अंदर होना चाहिए थे, जहाँ जो आपके जो स्टूडेंट हैं वो किस तरीके से कॉलेज चलाते हैं किस तरीके नहीं चलाते, तो आपकी क्या मजबूरी रही कि जंतर मंतर पर आने की? सबसे बड़ी मजबूरी तो ये रही कि जो भारत की सरकार है ये हमेशा जो है कोई भी वेतनमान देना होता था कम से कम शिक्षक यूनियन जो AI भुट्टो है इनके प्रतिनिधि को बुला के बात करती थी और स्पष्ट करती थी कि हम क्या देने जा रहे हैं। लेकिन इस समय जो आपकी गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं मनमानी करना है, कोई भेदभाव करने का उसका नेचर है और इसलिए सबको क्लियर नहीं कर रही है कि हम क्या देंगे नहीं देंगे, उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो AI भुट्टो के आह्वान पर हम लोग जो है शिक्षक संघ से ज़्यादा हमारा महत्व है कि भाई हमारी यूनियन का कोई महत्व नहीं है सरकार के सामने, हमसे कुछ पूछा नहीं जा रहा, अपने मन का कर लेंगे कुछ भी। तो ये मेन मुद्दा हमारे यहाँ आने का, जेल भरे आंदोलन का। सर फिजिकल एजुकेशन और जो आम एजुकेशन है, तो फिजिकल एजुकेशन में माना जाता है कि वो जो प्रोफेसर हैं टीचर हैं वो मेहनत नहीं करते हैं, बाकी जो आम जो टीचर हैं वो स्टूडेंट के साथ मेहनत करते हैं, आप फिजिकल एजुकेशन में आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए स्पेशली ये धारणा 100% सही नहीं है, आपकी भी बात सही है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन फिजिकल एजुकेशन टीचर का काम बहुत ज़्यादा है, ये कुछ लोगों की धारणा, ये 100% कोई नहीं मानता कि इनके पास कोई काम नहीं है, हमारे पास बहुत काम है, कॉलेज के सारे प्रशासन में बहुत काम करते हैं, चाहे अनुशासन का काम हो, परीक्षा में ड्यूटी का काम हो, फिजिकल एजुकेशन से जितनी एक्टिविटी चल रही है उसमें काम हो, तो मॉर्निंग इवनिंग जो है हम कोचिंग कर रहे हैं, तो काम बहुत है और ये 100% लोग नहीं सोचते, कुछ लोग सोचते हैं लेकिन उनकी संख्या कम है। काम ना, आपने काम बताया, काम बहुत है, सर फिजिकल एजुकेशन का जो मेन जो मुद्दा है वो उठाइए। उसका है सर्वांगीण विकास करना बच्चों का, बच्चे को इसलिए गवर्नमेंट सोचती है कि बच्चों का हम सर्वांगीण विकास करेंगे, क्लासरूम से मैदान तक। हाँ पूरे क्लासरूम से मैदान तक, क्योंकि बच्चा स्वस्थ नहीं होगा तो फिर आगे क्या कर सकता है वो। युवा पीढ़ी के लिए आज गवर्नमेंट भी कितनी कर रही है, बहुत काम कर रही है, तो हम लोग उसी के जो है शिक्षक हैं, लेकिन मान लीजिए इम्पॉर्टेंस इसलिए नहीं मिलता कि हमारी संख्या कम रहती है, लोगों को लगता नहीं कि महत्व क्या है। और दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ और बता दूँ, इस सृष्टि की रचना में कोई भी चीज़ बिना मूवमेंट की नहीं बनती है, ठीक है, आप देख लीजिए कहीं भी बिना मूवमेंट के नहीं होगा, और स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन का मूल आधार मूवमेंट है, ये प्राकृतिक चीज़ है, और जब इसको आप साथ नहीं रखेंगे तो विकास हो ही नहीं सकता है, आप कितना भी अवॉइड करें फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स को, तो बिना इसके जो है कोई विकास, और फिजिकल एजुकेशन इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का एक इंटीग्रल पार्ट है, इसको हटाने के बाद कोई फायदा नहीं हो सकता। सर अभी आपने कहा कि सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है और आप जैसे कि आपने बताया, फिर आप सरकार के खिलाफ धरना देने क्यों आ गए? नहीं सरकार ध्यान दे रही है, चाहती है कि हम युवाओं का विकास करें, लेकिन हमारा जो योजना नहीं है ना कोई, जैसे मान लीजिए हम लोग टीचर हैं तो हम लोग को भी तो चाहिए ना बराबरी की चीज़ चाहिए या वेतनमान जो भी है, वो भी मेन प्रॉब्लम है, बाकी काम में कोई कमी नहीं, ऐसा नहीं कि हमने काम छोड़ दिया और काम छोड़ेंगे भी नहीं, समाज में बच्चों का नुकसान हम लोग नहीं कर सकते, चाहे वेतन मिले चाहे ना मिले काम करेंगे, भले हमें आ गए धरना प्रदर्शन दे लिया लेकिन काम नहीं छोड़ेंगे, और फिजिकल एजुकेशन का आदमी तो काम छोड़ ही नहीं सकता है, दूसरा छोड़ भी दे हम लोग नहीं छोड़ते, क्योंकि बच्चों का ध्यान देना मेरा उद्देश्य है। मैदानों से दूर होती जा रही है युवा पीढ़ी, मैदानों से दूर होती जा रही है, देखिए छोटे छोटे उम्र में कई बीमारियां धारण कर रही हैं, जब आदमी स्वस्थ नहीं होगा तो वो देश का कोई भी काम करने के लायक नहीं रहेगा, यदि समाज को विकसित करना है देश को मजबूत बनाना है तो हमें फिजिकल एजुकेशन एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में लागू करना पड़ेगा, क्योंकि जब आदमी स्वस्थ होगा मतलब हर युवा पर हमारी बागडोर, देश की बागडोर युवा पर है, तो युवा को स्वस्थ बनाने के लिए फिजिकल एजुकेशन यदि रहेगा तो हर बच्चा फिजिकल एजुकेशन पढ़ेगा और वो उसको अपने अनिवार्यतः अपने जीवन में लागू करेगा और उसी तरह से वो अपने आप को मजबूत बनाएगा, जिससे कि धीरे धीरे देखिए जितनी बीमारियां हम देख रहे हैं कि बीमारियां होती जा रही हैं छोटे छोटे उम्र के बच्चों को सारी, पहले ये चीज़ें नहीं थी, क्योंकि लोग सुबह उठते हैं, पहले रामायण महाभारत में भी हम पढ़ते थे तो वो पहले अपने व्यायाम करते थे, उनके दैनिक शेड्यूल में डिपेंड रहता था, लेकिन हम आजकल देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी फेसबुक पे जाती है, कंप्यूटर देखती है, अपने पूरे टाइम मोबाइल पे लगी रहती हैं, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि बच्चे एक्सरसाइज करते ही नहीं हैं, उनको ये मालूम नहीं है, वो अपना मनोरंजन का साधन हमारा सिर्फ मोबाइल पे करते हैं, तो हम इसी उद्देश्य को लेकर आए कि यदि फिजिकल एजुकेशन लागू होता है तो हम बच्चों को वो शिक्षा दे पाएंगे जिससे हमारे समाज का निर्माण होगा और राष्ट्र का निर्माण होगा। धन्यवाद।